अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे डेली रूटीन, हम कैसे रोज़ का रूटीन जो है हमारा वो हम करते हैं। तो ये कपड़े जो है धो के मतलब सूख गए थे, तो इसको हम पहले कर रहे हैं फोल्ड, और फोल्ड करके सब सारे रखने हैं। और सबसे पहले ना शुरुआत, चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उनको टिफिन विफिन दे दिया है, खाना भी बना लिया है। तो फिर जो है हम यहाँ से अब घर जब वो जा चुके हैं तब हम शुरुआत कर रहे हैं घर के काम की। तो जो ये कपड़े धुले हुए थे इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके एक अलग अलग रख देंगे उन्हें। और सारे कपड़े जो ये देखिए फोल्ड हो चुके हैं और ये उसका अलग अलग पार्टीशन बना के रखा हुआ है, ये बच्चों के जो ड्रॉर में, फिर अब इसे सेट करना है। और आप ऐसे कर लेते हैं ना तो वो मतलब जल्दी से रख दिया जाता है और बच्चों को कपड़े ढूंढने में, आपको कपड़े ढूंढने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है कि हमने कहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं। और ये रूम हो चुका है साफ, तो अब चलेंगे हम अपने बेडरूम में। तो ये अब हम आ गए बेडरूम में, देखिए कितना मैसी पड़ा हुआ है। सुबह का वक्त होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा काम रहते हैं, आपको किचन भी देखना है और मतलब पूरा घर को मेंटेन करना है। तो वाले मतलब रूम में सारे कपड़े रखे हुए थे वो हमने फोल्ड कर लिए और हम यहाँ अलमीरा में इसे शिफ्ट कर देंगे सारे जो कपड़े हैं फोल्ड किए हुए। और ये जो है ये बड़ी वाली अलमारी है, ये बच्चों की है और इनके पापा की है। तो ये अलग अलग रखे हुए थे, मतलब पार्टीशन हमने कर लिए थे अलग अलग, ये बड़ी बेटी के, फिर छोटी बेटी के, फिर उसके बाद मेरे बेटे के। ऐसे करने से, ऐसे अरेंज करने से ना अच्छे से कपड़े रखे भी रहते हैं और वो आपको मिल भी जाते हैं इजीली, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। और ये मेरे कपड़े थे तो ये हम अपनी अलमीरा में रख रहे हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर बेडशीट है इसको चेंज करेंगे। तो ये देखिए बेडशीट यहाँ चेंज करने जा रहे हैं, पहले आप उठा लें इसे और फिर उसके बाद जो है इसे अच्छे से साफ कर लें, डस्टिंग जो भी है उसे से साफ कर लेंगे इसे। और फिर उसके बाद ये बेडशीट इस पर डालेंगे। अच्छा एक चीज़ ये देखिए और है, ये इसमें नॉट हम बांध देंगे ना तो ये जो है, तो ये बेडशीट जो है वो खिसकती नहीं इधर उधर, बच्चे जितना भी मतलब उछले कूदे या कैसे भी बैठे ये बेडशीट जो है कहीं भी नहीं खिसकती जरी सी भी, और बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो ये देखिए कितनी एकदम अच्छे से सेट हो गई है इस पर बेड पर, और ये भी अच्छी लग रही है। और ये कमरा भी क्लीन हो चुका है और ये देखिए पूरा यहाँ पर हमने सब इसको मतलब कमरे को सेट कर लिया है। और ये कूलर रखा है यहाँ पर और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और अब हम जा रहे हैं बाहर, अब हमें लगानी झाड़ू। और ये हम झाड़ू लाए थे मिल्टन की झाड़ू है और ये प्लास्टिक की, और बहुत ही अच्छी लग रही है, इससे झाड़ू बहुत ही इजीली लग जाती है और इसमें हाथ भी नहीं दर्द होता है, बहुत ज़्यादा वेटेड भी नहीं है। और ये देखिए कितनी अच्छे से लग रही है झाड़ू यहाँ पर। तो अब ये इस वाले रूम में लगाएंगे और झाड़ू वगैरह हो जाएगी, फिर झाड़ू पोछा लगाना है। और इसमें हम पोछा लगाते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि फिर गेस्ट आ गए थे तो उनको देखने लगे थे फिर हम। तो ये देखिए यहाँ पर ये झाड़ू लग गई है। और फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे किचन में, और किचन का काम बाकी है। यहाँ पर हम जा रहे हैं बर्तन धोने, तो ये बर्तन धो रहे हैं। अच्छा लेडीज़ के पास इतना सारा काम रहता है, इतना हमें घर के काम भी निपटाने रहते हैं, बाहर के भी काम निपटाने रहते हैं, बच्चों को भी देखना रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं सब, ये सिर्फ लेडीज़ ही कर सकती हैं सोचिए। और मतलब और किसी में इतनी वो नहीं रहता है
जेंट्स में मतलब वो तो बाहर के काम कर लेते बहुत है, लेकिन लेडीज़ को ना सब कुछ देखना पड़ता है, फैमिली को और बच्चों को, और मतलब गेस्ट वगैरह आ जाए उनको भी देखे, और कितना काम रहता है ना। तो बस यहाँ पर अब हम ये किचन का काम निपटा लेंगे और बर्तन वगैरह धो लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं और फिर ये देखिए कर ही रहे हैं हम काम, बर्तन धो रहे हैं फटाफट फटाफट। और मेरे यहाँ किचन में ना सिंक के पास थोड़ी सी भी स्पेस नहीं है जो हम यहाँ पर रैक वगैरह रख पाए, जिससे जो ड्रेन बास्केट होती है अगर वो रख ले तो ज़्यादा इजी रहता, लेकिन मेरे पास स्पेस ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ये जो टब होता है इसमें हम रख लेते सारे बर्तन। और इसमें ना सारा पानी निकल जब सारा पानी जब निकल जाता है तो हम ये जो बर्तन है इसे सेट कर देते हैं जहाँ पर रखना रहता है। और यहाँ पर बाहर बर्तन पड़े हुए थे वो भी हम लेकर आ गए। और किचन ना कितना भी बड़ा हो वो छोटा पड़ ही जाता है, असल में ज़्यादातर काम जो है वहीं पे होता है, सारे बर्तन वगैरह सब कुछ वहीं पे रहते हैं। और किचन में काफ़ी काम रहता है और बहुत ज़्यादा सामान भी रहता है, इसलिए जितना भी सामान हो उतना कम है और जितना भी स्पेस हो उतना कम है। और लेडीज़ के लिए ना वैसे भी कितनी भी जगह हो और कम ही लगती है, और हम लोगों को आदत है ना एकदम अच्छे से खुली खुली सी जगह देख के अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब हम स्टोव साफ कर रहे हैं और इसको यहाँ साथ ही साथ साफ़ कर लेंगे ना तो ये ज़्यादा फिर हमको बाद में मेहनत नहीं लगती है, और क्लीन साफ़ सुथरा देखकर अच्छा भी लगता है। कोई भी काम आप करें तो साफ़ सुथरा रहे तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है। और अब हम अपने जा रहे हैं ससुर जी के लिए चिल्ला बनाने, उनके मतलब दांत वगैरह नहीं है तो इसलिए वो चिल्ला ही खाते हैं, या चिल्ला खाते हैं या फिर दाल चावल मतलब लिक्विड लेते हैं, जूस वगैरह ले लेते हैं। और लेकिन उन्हें जो है खाना भी अनाज भी देना है तो इसलिए जो है इसलिए जो है हम लोगों ने मतलब बना के रखा है कि एक टाइम दाल चावल देते हैं और एक टाइम ये चिल्ला दे देते हैं, और या चटनी के साथ दे दें और या फिर इसे दाल के साथ दे देते हैं, उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है उसको दे देते हैं। और ये विस्कर है, इससे फेंटने से ना इसमें बबल्स नहीं आते हैं और बहुत ही ये देखिए स्मूथली हो जाता है ये बैटर। और इसमें कुछ भी नहीं डाला है, इसमें सिर्फ जो है नमक डाला है बस, और ये आटा गेहूं का आटा है और उसमें नमक डाल दिया और उसमें अच्छे से फेंट लिया है, एक बैटर सा बना लिया है। और अब जो है इसको हम बनाएंगे चिल्ला, और इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, चिल्ला हर कोई नहीं बना पाता है, उसके लिए जो है तेल से अच्छे से ग्रीस होना चाहिए। और अच्छा ये रहेगा या फिर आप एक दो रोटी इस पे पराठे वगैरह मतलब बना लें तो उसके बाद ये चिल्ला बनाएं तो फिर अच्छे से बन जाता है, या फिर आप जो फोक में वो प्याज जो होती है वो लगा लें और तेल लगा के इसको पूरा ग्रीस कर दे। तो ये हम जो है हमने इसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया था तवे को तो इजीली बन गया, और हम लोग को तो काफ़ी प्रैक्टिस होगी बना बना के ना, जो बिगनर होंगे उनको थोड़ी दिक्कत होगी बनाएगी। टाइम सा बनता है और क्योंकि गीले गीले बैटर से बनता है तो ये सॉफ्ट ही रहता है ये चिल्ला, और आपको अगर और सॉफ्ट करना है तो जब आप रोटी या पराठे बना रहे तो इसके बीच में इसे रख दें तो ये और भी मतलब भाप में सॉफ्ट हो जाता है चिल्ला, और अच्छा लगता है। मेरे तो बच्चे भी अच्छे शौक से खाते हैं
और हम ना कभी कभी उन्हें चिढ़ाते भी है कि ये बुज़ुर्गों के लिए जिनके दांत नहीं होते और उनके तो दांत हैं तो क्यों खा रहे हो, तो बोलते हैं ना मम्मी ये बहुत अच्छा लगता है हमें, तो वो भी उन लोग भी खाते हैं और मेरे दोनों बेटियां बहुत शौक से खाती हैं। चिल्ला अच्छा लगता है आप इसको जो है बेसन से बनाएंगे और तो और भी टेस्टी। ये तो हम अपने ससुर जी के लिए बना रहे हैं इसलिए ये सादा बनाया है, और आप अगर बेसन का बनाए तो उसमें प्याज हरी मिर्ची हरा धनिया बना लें तो वो और भी अच्छा लगता है और आप सब लोग खा सकते हैं उसे। तो बस यहाँ पे ये बन के रेडी हो गए, अब हम करने जा रहे हैं डिनर की तैयारी। और डिनर में हम बनाएंगे आलू और चने की सब्ज़ी, और ये चना जो है वो हमने बॉईल कर लिया है और वो एकदम गल चुका है चना। तो अब जो है हमने कढ़ाई में ये देखिए ये प्याज डाल दी है, तेल डाला था फिर उसके बाद ज़ीरा डाला, उसके बाद हमने प्याज डाल दी है, वो ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें जो हरी मिर्ची है इसको दो, एक मिर्ची के दो टुकड़े हम कर लेंगे और वो इसमें डाल देंगे। ये हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा बारिश इतनी हो रही, लगातार हो ही जा रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप लोगों को आवाज़ आ ही रही होगी बारिश की, कल रात से लगातार हुई है, एक मिनट नहीं रुकी है बारिश। और ये देखिए ये हमने दो बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इसको हम कट करके रख लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेंगे। तो ये देखिए प्याज और हरी मिर्ची, थोड़ा सा इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था वो हमने दिखा नहीं पाए, और ये अब जो कट करके रखे थे टमाटर इसे भी डाल दिया है। और इसके बाद जो है अब हम डालेंगे इसमें ड्राई मसाले, तो सबसे पहले नमक डाल दिया है और उसके बाद हल्दी पाउडर, फिर ये है मिर्च पाउडर और ये है धनिया पाउडर, तो ये सब डाल के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा इसमें जो है पानी डाल दिया क्योंकि इसमें मसाले जो है वो लगने लगते हैं, जलने लगते हैं, इसलिए जो है हमने इसमें पानी डाल दिया है। और ये है थोड़ा सा गरम मसाला और ये है ज़ीरा पाउडर, तो वो भी इसमें डाल दिया है। और ये अच्छे से इसको जब तक पकाना है जब तक इसका तेल और मसाला अलग नहीं हो जाता, तो ये और थोड़े से टमाटर भी गल जाए, तो ये टमाटर भी गल चुके हैं, तेल मसाला अलग हो चुका है, तब इसमें हम डालेंगे जो बॉईल किए हुए चने थे ये डाल देंगे। और हमने थोड़े से इसमें रोक लिए हैं क्योंकि जिसे अगर सादे खाने तो खा ले। और ये देखिए ये बॉईल किए हुए आलू हैं तो थोड़े से हमने मैश कर लिए ताकि ये जो ग्रेवी है गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, और थोड़े से कट करके रख लिए थे, और इससे जो है ग्रेवी जो है बहुत ठीक सी बनती है, नहीं तो चने और ये आलू सब अलग अलग हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। वैसे आपकी चॉइस है, आप जैसे रखना चाहें, आप अगर मैश करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं इसे ऐसे भी डाल दें कट करके, लेकिन उससे थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसमें हम ये एक इसका टेस्ट चेंज करने के लिए ना इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल रहे हैं, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था, ये सब्ज़ी थोड़ी सी भी नहीं बची और बच्चों को बहुत ही पसंद आई, बहुत मतलब टेस्ट इसका चेंज हो गया था बिल्कुल मैगी मसाला डाल के। तो ये देखिए अब ये हो चुकी है रेडी, बस हमने इसे 5 मिनट और पकाया था और ये बन के रेडी हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, और आपको हमारा और डेली रूटीन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पास ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा रूटीन किस तरह का लगा, कैसा।